आज मैं बनाने जा रही हूँ कैप्सिकम पनीर। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में आप डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे पनीर मीडियम टुकड़ों में कटे हुए। पनीर को पहले से मैंने गर्म पानी में नमक डाल के पनीर को सोक्ट करके रखे थे 15 मिनट। फिर पानी से निकाल के पनीर को क्यूब में काट लिया हमने। उसी पनीर को हम सौते फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा जो पनीर है ये सौते फ्राई हो चुका है। फिर हम इसको एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। फिर हम उसी ऑयल में डालेंगे चॉप्ड किया हुआ लहसुन। लहसुन को बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा जो लहसुन है ये फ्राइड हो चुका है। फिर हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम मीडियम टुकड़ों में कटे हुए। कैप्सिकम को बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा जो कैप्सिकम है ये फ्राई हो चुका है। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज मीडियम टुकड़ों में कटे हुए। प्याज को भी बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के मुताबिक। नमक को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। नमक को मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे थिन स्लाइस में कटे हुए प्याज। यह 2 टाइप्स का प्याज मैंने इस्तेमाल किया है। ये इस्तेमाल करने से क्या होता है, इसका जो स्वाद होता है ये बहुत अच्छा सा बढ़िया हो सकता है, इसीलिए हमने 2 टाइप्स के प्याज इस्तेमाल किए हैं। इस प्याज को बहुत अच्छे से हमें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, टमाटर सॉस। टमाटर सॉस को बहुत अच्छे से हमने मिला लेंगे इसके साथ। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इससे तेल छूटने ना लगे। देखिए थोड़ा सा तेल छूटने लगा है। फिर हम इसमें डालेंगे विनेगर। विनेगर को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे फ्राइड किया हुआ पनीर। पनीर को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये ग्रेवी ग्रेवी ना हो जाए। देखिए हमारा जो कैप्सिकम पनीर है ये बनके तैयार है। और इसको आप रोटी पराठा के साथ सर्व करें।